थैंकफुल टू यू सर कि आपने हमारी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया. ऑर्डर ना करना आपके बस की बात है. बट अगेन थैंक्सफुल टू दी ट्रेडी बेंचेस, बजिंजो साहब आपका, तरीन साहब आपका, मुशाहिद साहब, अब्बासी साहब, सादी अब्बासी साहब के जो ट्रेडी बेंचेस हैं जिन्होंने पीटीआई के साथ मिलकर इजाज चॉइस साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से हमारी रिक्विजिशन को साइन किया. सर 9 महीने से एक शख्स वहाँ पे जेल में है सर, एंड एज पर लॉ सर उसको यहाँ पेश होना ये आपके और मेरे फ़राइज में शामिल है. बट क्योंकि सर अपना अपना वक्त आता है, और दैट्स रिमाइंड्स मी ऑफ अ नेशनल ज्योग्राफिक चैनल सर, जहाँ पे 100 हिरन खड़े होते हैं और एक शेर आके उसमें से एक को उठा के चला जाता है और थोड़ी देर बाद 99 फिर दोबारा घास चरना शुरू कर देते हैं. सो ये वक्त हम पे भी आएगा एक दिन, साहब में से कोई जेल में होगा एंड आईज और नोज की गैलरीज में चाय पी रहे होंगे. ये तकलीफ तो अमल है एंड दैट पर्सन इज इन पेन सर. सो अगर हो सके तो इजाज चौधरी के हवाले से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कीजिए. ये फेयरवेल सेशन है एंड आई थिंक ही शुड बी हेयर विद अस. तीसरी चीज सर, मैं आज तकरीबन 11 महीने के बाद सेनेट में तकरीर कर रहा हूँ सर. आखिरी तकरीर मैंने की थी सर तकरीबन मार्च 2023 में. मुशाहिद साहब मैं आपकी बात, सारे सीनियर जितने बैठे हैं, ताजदा साहब आपकी भी तरह थोड़ी सी अटेंशन, बजिंदो साहब, 11 महीने बाद सर मैं यहाँ पे तकरीर कर रहा हूँ. इस 11 महीने में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ सर, उसकी थोड़ी सी बाजगश्त होनी चाहिए. एंड दिस इज़ वेरी इमोशनल सर. 9 मई का वाकया हो गया सर, 9 मई के बाद रुपोश हो गए. 4.5 महीने सर मुख्तलिफ घरों में छुपे रहे सर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, बच्चे लेके दर बदर घूमते रहे सर. जगह खत्म हो गई, गाड़ियां नंबर प्लेटें तब्दील करनी पड़ी. मेरे बेटे ने मुल्क से बाहर जाना था, छुपा के उसको एयरपोर्ट से वापस भेजा और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ सर. 4.5 महीने बाद अमंग ऑल माय कुलीग्स मुझे उठा लिया गया जी लाहौर डिफेंस से. 14 दिन सर मैं कहीं रहा. 14 दिन में जो भी चिल्ला काटा सर, वापसी पे एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें 20 सेकंड की एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं, और मुझे आज़ाद कर दिया गया. आज़ाद तो हो गया सर, लेकिन एक जिंदा लाश हूं मैं, एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है. मुझे नफरत होती जा रही है सर इस ऐवान में बैठ के इस तस्वीर की तरफ देखते हुए जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आजाद हूं. मैं आजाद नहीं हूं. अगर मुझमें सोचने समझे की सलाहियत यह रियासत नहीं दे सकती तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता. कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे कि मैं क्या कहूं और क्या सोच सकता हूं. आपको अंदाजा नहीं कि सर पिछले 6-8 महीने कितने कर्ब में गुजारे हैं. सारे लोग यहां बैठ के चाय पी रहे होते थे, सेनेट का सेशन में देख रहा होता था जब मैं घर पे छुपा होता था. यह बातें करना आसान है सर, आज आप ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं. जो कुछ हमारे साथ हुआ है मुझे आज तक एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया. अफसोस होता है सर कि यहां बैठ के सारे बात कर रहे रेगिंग पे, लेकिन उन बेचारे वर्करों के साथ, वो हमारे दोस्तों पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है आज तक किसी ने उस पर बात नहीं की. सर यकीन जाने मैं अगर एक रुदात सुना दूं ना आप परेशान हो जाएंगे. उन 4 महीने में जब छुपा हुआ था मेरा घर गिरा दिया गया सर, मेरी फैक्ट्री, मेरे कारोबार बंद कर दिए गए. एक छोटा सा जिम्मेदार हूं मैं सर, मेरे आमों के बाग के ऊपर जो मुस्ताजिर रहते हैं, जो बाग संभालते हैं, उनको उठा के ले गए, मेरे बाग भी बर्बाद हो गए सर. और अगर बाज नहीं आए, जब मैं 14 दिन के बाद वापस आया, मेरी मां को फालिज हो चुका था कि मेरा बेटा शायद मर चुका होगा, लेकिन आज तक किसी ने इस ऐवान में आवाज नहीं उठाई सर. मैं इजाज चौधरी के लिए इसलिए नहीं बोलता कि मुझे उसकी तकलीफ है, मुझे इसलिए तकलीफ है कि मैं उसकी तकलीफ अब जानता हूं. एंड आई एम श्योर एक वक्त आप पे भी आएगा, आज हम पे वक्त, एक दिन आप लोगों पे वक्त आएगा. ये वक्त दूर नहीं है. डर तो बड़ा लगता है जी सर कि वापसी पे जाएंगे फिर उठा लिए जाएंगे सर, लेकिन सर अब बचा ही क्या है सर. वो कहते हैं सर कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा सर. एक कैदी जो है वो मुझे ताकत देता है सर, मेरे अल्लाह के बाद एक कैदी मुझे मेरी ताकत देता है सर. वो जेल में बैठा जरूर है सर, लेकिन मुस्कुरा रहा है इस पूरे निजाम पे, मुस्कुरा रहा है. उस एक कैदी ने इस पूरे मुल्क को में असल हकीकी आजादी दी है सर. एक कैदी ने, 70 साल पहले कोई आजादी नहीं थी, उस एक कैदी ने 8 फरवरी को जो हमें आजादी दी है वो इस कौम याद रखेगी उस कैदी को सर.
उस एक कैदी ने सारे निजाम को नंगा करके रख दिया है सर। 8 फरवरी को, जब इससे पहले 6 महीने मैंने डिप्रेशन में गुजारे सर, जब 8 फरवरी को मैंने लोगों को निकलते देखा, जितनी कुछ प्री पोल रिगिंग की गई, हमारे कैंडिडेट्स उठा लिए गए, जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए, किसी कुछ भी नहीं करने दिया, लेकिन 8 फरवरी को जब आवाम निकली, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जब उनके कैंप में जाके सर वहां से पर्ची बनवा रही थी, एंड पे जाके खौफ में जाके वोट इमरान खान के कैंडिडेट को दे रही थी, किसी बैंगन को, किसी जूते को, किसी सब्ज मिर्चों को, जो जो भी निशान थे। 5 बजे रात को कौम ने सोचा कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। रात को कौम आई, सुबह 5 बजे तक पूरी कौम ऐसे जाग रही थी जैसे बैलेट बॉक्स के डब्बे उनके साथ पड़े हों और वो कौम हिफाजत कर रही थी। नमाज पढ़ के कौम जब सोई तो 9 बजे उठी तो फिर निजाम उल्टा था। जो सीटें हम 136-140 तक जीत चुके थे वो वापस 100 पे आ गई और आज वो सीटें कम होती होती 93 पे पहुंच चुकी हैं। ताज साहब, आप तो अपनी रोते हैं सर, हमारी सुनिए कि जिन लोगों के पास फॉर्म 47 इशू हो गया, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिया ही नहीं गया, रिटर्निंग ऑफिसर ने बगैर फॉर्म 45 देखे फॉर्म 47 के रिजल्ट्स इशू कर दिए। फैसला पहले हो चुका था कि किसको किस औकात पे रखना है, हमारी औकात भी डिफाइन कर दी, लेकिन हमारी औकात से हम बाहर निकल चुके थे। फॉर्म 47 इशू कर दिए गए सर। उसके बाद कैंडिडेट्स को कहा कि अगर तुम लोगों ने नून लीग या आईपीपी जाना है तो जाओ, अगर नहीं जाओगे तो फॉर्म 47 भी चेंज कर देंगे, तुम्हें रिकाउंटिंग में हरवा देंगे। 10 से ज्यादा हमारे एमपीएस इस वक्त नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। सदीकी साहब, इरफान सदीकी साहब, 10 से ज्यादा हमारे आजाद पीटीआई के इंडिपेंडेंट, जो हमारी टिकट पे निशान नहीं था उनके पास, जो जीत के इमरान खान की फोटो लगा के आए थे, वो इस वक्त आपके कैंप के बैठे हैं। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा एथिक्स है? वोट इमरान खान का लिया। अफलान साहब बैठ जाए, तकसीम में बैठे, बोल लेना अफलान साहब। अफलान साहब, अगली बात सुनते हैं सर, अब इस वक्त कोई बात। अफलान साहब तशरीफ रखें, जिशान साहब बैठे, अफलान साहब, अफलान साहब, सेनेटर साहब अपनी तकरीर बटन दबा, सेनेटर साहब, सेनेटर साहब अब अपनी बारी में बोल रहे हैं। आज इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क में वजीर आजम बनाने के हवाले से कुछ नहीं हो पा रहा, वो कैदी फिर मुस्कुरा रहा है इस वक्त, इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बन पा रहा। लेकिन अफसोस चेक करें सर, अफसोस चेक करें सर, उस कैदी का साथ देखें, 31 साल की सजाएं दे दी फरवरी के पहले 4 दिनों में, अभी भी दिल भरा नहीं। इस वक्त उस कैदी की बीवी बुशरा आपा बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट है सर, और हाउस अरेस्ट कैसा है कि पूरे एक कमरे की 4 दीवारी में उनको मैसूर कर दिया गया है और उनको खाना अडियाला जेल से आता है और उस खाने में हमें शक है कि जहर मिलाया जा रहा है। खान साहब बार बार लिख चुके हैं, जुल्म करना है तो कर लो, लेकिन ये कौन सा जुल्म है? तुमने किसी को कैदी बनाना है बना लो, पर जहर दे के मारना ये कहां की बात है? हमने रिक्वेस्ट की है मेहरबानी करके बुशरा आपा को अडियाला जेल भेज दे, हमें हाउस अरेस्ट नहीं होना। और आज पूरी कौम को ये पता होना चाहिए, इस वक्त बुशरा आपा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये एक जुल्म है। आखिर में सर, टाइम अपना गुजरा, एक शेर पढ़ देता हूं, माजरत में लिखने लगा था लेकिन वो लिख नहीं सका, सो यहां मोबाइल से पढ़ूंगा, लेकिन सर आपसे इजाजत लेके। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राजन हैं इतने, कुछ या और भी हो सकता है, कुछ तो अक्सर होता है, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।